नवोदय दोस्तों, मैं साक्यार रवि बोध आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साक्यार रवि बोध में। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो पूरा देखें तभी मज़ा आएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस। चलो तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कहाँ गए थे घूमने? देख नहीं रहे हो, कोरोना वायरस चल रहा हुआ है। अच्छा, ओहो, एक तू ही ज्ञान की अम्मा है। हमका जानत कोरोना वायरस चल रहा हो, ज्ञान बांट रही है ठाड़े हुए के। तुम्हें पता है तो तुम आते कहाँ अभी तक? नीचे बैठा था और कहाँ था? कहाँ बैठे आते? और तू ये बता, तू इतने सवाल जवाब क्यों कर रही है? चाहती क्या है? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुम बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हो, कुछ मेरे को ही बता दो, बता दिया करो। यहाँ पे बाहर ही घूमते रहते हो। बौद्ध धर्म को मानता क्या हूँ मैं? बुद्धिस्ट हूँ। अच्छा, तो मैं एक बात पूछूँ आपसे? पूछ। क्या पूछना चाहती है, क्या जानना चाहती है, पूछ। अगर आप बुद्धिस्ट हो तो मान लें आप बुद्धिस्ट हो, अगर आप बुद्धिस्ट हो तो हमें बुद्ध वंदना सुनाओ। क्यों, तू क्या करेगी बुद्ध वंदना जान के? तू तो बस उसी मस्त रहा, उसको क्या बोलते हैं, धूप बत्ती और अगरबत्ती लगा के धुआं उठाओ और मच्छर भगाओ, बस यही है तेरे लिए। मैं ये सब छोड़ दूंगी, मेरे को तुम बुद्ध धर्म के बारे में बताओ, मैं बुद्ध धर्म अपना लूंगी। चल, अगर तू वंदना सुनना चाहती है तो सुन। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। अब इसका हिंदी अर्थ भी समझ ले। मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। मैं तथागत भगवान बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। मैं तथागत भगवान बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। समझ में आया कुछ? वंदना तो समझ में आ गई, लेकिन ये तिरस्रण, तिरस्रण, ये तिरस्रण क्या होता है? और ये पंचशील, पंचशील क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तेरे बस की बात नहीं है तिरस्रण और पंचशील पर चलना। समझ में आया? नहीं, बताओ ना, तिरस्रण और पंचशील क्या है? मैं इसको जान करके इससे इसका जाप भी करूंगी और इस पर अमल भी करूंगी। करेगी? पक्का? पक्का करेगी अमल? चल तो ठीक है, फिर सुन। बोधम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, द्वितीयम स बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम स धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम तो संघम शरणम गच्छामि, तृतीयम स बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम स धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम तो संघम शरणम गच्छामि। इसका हिंदी अर्थ भी समझ ले। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार संघ की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार धम्म की शरण में जाता हूँ,
मैं तीसरी बार संघ की शरण में जाता हूँ। समझ में आया कुछ? हाँ हाँ, तेरा शरण तो समझ लिया, और पंचशील का क्या मतलब है इसको भी बताओ जरा। पंचशील में चलना तेरे बस की बात नहीं है, ना तू पालन कर सकती है, इसलिए मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो उसको लिए क्षमा माफ़ी चाहता हूँ। और जो हमारा पंचशील रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।